हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोपाल ब्लॉग में। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित 10 सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय स्थल के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 10वें नंबर की बात करते हैं। 10वें नंबर पे आता है दिल्ली का जंतर मंतर। दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। अन्य चार जंतर मंतर सहित इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। दोस्तों दिल्ली का जंतर मंतर हफ्ते के सातों दिन खुला रहता है। एंट्री फीस की बात करें तो इंडियंस के लिए एंट्री फीस 15 रुपये है तथा विदेशियों के लिए एंट्री फीस 200 रुपये है। दोस्तों मेट्रो स्टेशन की बात करें तो सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन पटेल चौक पड़ेगा और एड्रेस की बात करें तो संसद मार्ग कैन नॉट प्लेस न्यू दिल्ली। अब दोस्तों 9वें नंबर की बात कर लेते हैं। 9वें नंबर पे आता है हमारा इंडिया गेट। इसे सन 1931 में बनवाया गया था। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने जाने वाला इस स्मारक का निर्माण अंग्रेजी शासकों द्वारा 10,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था जो ब्रिटेन सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम इंडिया गेट में लिखा हुआ है और ये हफ्ते में सातों दिन खुला रहता है। एंट्री फीस कुछ नहीं, सुबह 6:30 बजे खुलता है और रात के 9 बजे तक ये खुला रहता है, 8 से 9 बजे तक। नज़दीकी मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सी गेट केंद्रीय सचिवालय है, वहाँ से इंडिया गेट 1 किलोमीटर पड़ेगा हार्डली। आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर ऑटो ले सकते हैं। 8वें नंबर पे आता है पुराना किला। नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीनपना नगर का आंतरिक किला है। इस किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1538 से 1545 के बीच में करवाया था। किले के 3 बड़े द्वार है। पुराना किला जाने के लिए नज़दीकी मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट, सुबह 6:30 बजे पुराना किला खुल जाता है और शाम के 6:30 बजे तक खुला रहता है। एंट्री फीस की बात करें तो भारतीय के लिए 30 रुपये तथा विदेशियों के लिए 300 रुपये है। अगर आप कैमरा अंदर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 25 रुपये का और एक टिकट बनवाना पड़ेगा। 7वें नंबर पर आता है मुगल गार्डन। मुगल गार्डन का डिज़ाइन सर एडविन लुटियंस ने दिया था। ये खासियत क्या है मुगल गार्डन की, ये राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थित है। मुगल गार्डन मुगल वस्तुकला, भारतीय वस्तुकला तथा पर्शियन वस्तुकला पर आधारित है। मुगल गार्डन साल में सिर्फ एक बार खुलता है 1 महीने के लिए, फरवरी 5 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। मुगल गार्डन पहुंचने के लिए नज़दीकी मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सी गेट केंद्रीय सचिवालय है, वहां से आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर बस या ऑटो करके जा सकते हैं। 6ठे नंबर पर आता है नेशनल जूलॉजिकल पार्क, दिल्ली का एकमात्र जू। दिल्ली का चिड़ियाघर एशिया के सबसे अच्छे चिड़ियाघरों में से एक है। यह पुराने किले के पास स्थित है। 1959 में बने इस चिड़ियाघर का डिज़ाइन श्रीलंका के मेजर वाइनमैन और पश्चिमी जर्मन के कार्ल हेगलबेक ने दिया था। 176 एकड़ में फैला जैविक उद्यान में जानवरों और पक्षियों की लगभग 1400 प्रजातियाँ उपलब्ध है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा अमेरिका से लाए गए पशु पक्षियों देखे जा सकते हैं। चिड़ियाघर में एक पुस्तकालय भी है जहाँ से पेड़ पौधों पशु पक्षियों के बारे में जानकारी ली जा सकती है। गर्मियों के टाइम में यहाँ 9 बजे खुलता है, 4:30 बजे बंद हो जाता है तथा ठंड के टाइम में 9:30 बजे खुलता है और 4 बजे बंद हो जाता है। नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से आपको बस या ऑटो लेना पड़ेगा। 5वें नंबर पर आता है हमारा कमल मंदिर। कमल मंदिर कालकाजी मेट्रो स्टेशन के निकट पड़ता है, वहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। सोमवार को यह बंद रहता है। टाइमिंग सुबह 9 बजे खुलता है, 5:30 बजे बंद हो जाता है। एंट्री फीस या फ्री है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी यहाँ पे मना है। 4थे नंबर पर आता है हुमायूं का मकबरा। भारत में मुगल वस्तुकला का पहला उदाहरण है हुमायूं का मकबरा। इस मकबरे में वही चारबाग शैली है जिसने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार 1562 में बनवाया गया था। यह विश्व धरोहर में शामिल है। खुलने का समय 7 बजे से लेकर 7:00 बजे तक और एंट्री फीस भारतीयों के लिए 40 रुपये तथा विदेशियों के लिए 600 रुपये है। हफ्ते के सातों दिन यह खुला रहता है। 3रे नंबर पर आता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। कुतुब मीनार जाने के लिए नज़दीकी मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार ही है। एंट्री फीस यहाँ पे 40 रुपये है। सुबह 6 बजे से लेकर 6:00 बजे तक यह खुला रहता है। 2रे नंबर पर आता है लाल किला। दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुराने दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है।
इस किले को पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इस किले को लाल किला, इसकी दीवारों के लाल रंग के होने की वजह से इसको लाल किला कहा जाता है। दोस्तों लाल किला पहुंचने के लिए नज़दीकी मेट्रो स्टेशन का नाम लाल किला ही है। एंट्री फीस अगर आप म्यूजियम देखते हैं तो 56 रुपये है, नहीं तो 35 रुपये आपको पे करना होगा। दोस्तों दिल्ली के टॉप 10 प्लेस का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका सेपरेट अलग अलग वीडियो भी मैंने बना रखा है, जैसे कुतुब मीनार का अलग, पुराने किले का अलग, लाल किले का अलग। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आता है पहले नंबर पे। पहले नंबर पर आता है अक्षरधाम। नई दिल्ली में बना स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा संस्कृत तीर्थ है। यह परिसर 100 एकड़ में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के नाते 26 दिसंबर 2007 को यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। दोस्तों अक्षरधाम पहुंचने के लिए नज़दीकी स्टेशन मेट्रो स्टेशन अक्षरधाम ही है। यहां पे एंट्री के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन अलग अलग यहां पे शो आयोजित किया जाता है, तो हर शो के लिए अलग अलग फीस है। इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आपको सेपरेट वीडियो देखना है तो उसमें आपको सारा नॉलेज मिल जाएगा। और दोस्तों फेसबुक पेज अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो फेसबुक पेज भी ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे नॉलेजेबल चीज़ें मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।